रूहान हुआ बहुत बड़ी बात है। रूहान को पालना, घर संभालना, सब कुछ करना, जितना उसने मेहनत करी कि मैंने देखे उसको हमेशा ये करो, बहुत समझदार मेरी बहू। मुझे नाज है अपने बहू पे, फक्र है कि मेरी बहू बहुत अच्छी। बहुत खुशी है, बहुत दिल से। अभी इसमें मैं भी ऐड कर दूंगा कि ये तो है कि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी माएं जो है वो बच्चे का ध्यान नहीं रखती, सारी चीजें नहीं करती, बट जिस तरीके से जिसको इंसान देखता है हमेशा उसी के बारे में बोलता है। जिस तरीके से दीपिका ने इतना सक्सेसफुल करियर में अपने पीक पे होने के बाद दीपिका का ये डिसीजन लेना कि नहीं शोएब, मैं जब तक रूहान 2-3 साल का नहीं होता है मैं काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ रूहान को संभालूंगी, आई थिंक ये मुझे आज की डेट में बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है। उसके लिए मैं हमेशा इस पे, पहले भी इस पे प्राउड फील करता था और अभी भी इसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जिस तरीके से इसने रूहान को यू नो सारी चीज़ें हैंडल करी हैं विदाउट मुझे प्रेशर दिए हुए। इसने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया है कि मतलब बहुत सारा होता है ना कि मूड स्विंग झेले हैं। आई थिंक एक ये फर्ज है एक हस्बैंड का, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। तीनों को खुश रखे, तुम्हारी फैमिली को, सब तुम्हारी फैमिली, सबसे हमारी फैमिली में सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना हमारा रूहान। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अम्मी ने किस तरह से दीपिका की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। दीपिका की तारीफ़ करते नहीं थक रही थी अम्मी। अम्मी का कहना है कि हमें अपनी बहू पर नाज है। वहीं शुएब का भी कहना है कि हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं दीपिका पर। तो फिर इनके घर में सबा और शुएब, दीपिका में जो दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें किसकी गलती है? क्या ये गलती सबा की है? सबा को सभी गलत ठहरा रहे हैं। सभी का कहना है कि सबा अपनी ससुराल में जाकर क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों पड़ी हैं। यहाँ पर रहने की वजह से ही जो इब्राहिम फैमिली में फूट पड़ रही है। वैसे सबा वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो कि दीपिका ने किया है। दीपिका एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली में आकर किसी को भी एक बात का कहने का मौका नहीं दिया है। हर करेक्टर में, चाहे वो बहू हो या फिर क्या कहते हैं बीवी हो या फिर माँ हो, हर तरह से उन्होंने अपना 100% दिया है। किसी को भी एक शब्द कहने का मौका ही नहीं दिया है आज तक। उनकी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन सबा पर उठ रहे हैं ढेर सारे सवाल। सबा और दीपिका में कंपैरिजन किया जाए तो सबा उनसे बहुत नीचे रह गई हैं इस मामले में। वो एक अच्छी बहू साबित नहीं हुई हैं, ना अच्छी बेटी साबित हुई हैं। लेकिन दीपिका को हम ये कह सकते हैं कि वो हर मुकाम पे बहुत अच्छा साबित हुई हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने हर जगह अपना 100% दिया है। आज भी उनकी पूरी फैमिली उनकी तारीफ़ करती है, चाहे उनकी सास हो, ससुर हो या फिर उनके हस्बैंड हो। इसी के साथ उनका बेटा रूहान 1 साल का हो गया है। उन्होंने उसकी परवरिश भी इस तरह से की है कि लोग देखते रह गए। कभी भी इतनी सारी भी मतलब लापरवाही नहीं कर रही है उन्होंने रूहान को लेकर, चाहे उसका खाना हो चाहे कुछ भी हो। इसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी होने का फ़र्ज भी बखूबी निभाया है। वो अपनी माँ को अपने साथ रखती हैं, क्योंकि उनके फादर से उनका डिवोर्स हो चुका है और उनका हर तरह से देखभाल दीपिका ही करती हैं। साथ ही वो अपने पापा से भी रखती हैं। अपनी नंद का रिश्ता हो या अपने सास ससुर का, वो बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं। हर रिश्ते में उन्होंने 100% दिया है, तो वो अब गलत कैसे हो सकती हैं? दीपिका सही है अपनी जगह, लेकिन इस मामले में सबा की गलती नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि सबा अपनी ससुराल में क्यों नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, अपनी राय मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को